आज हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहुप्रतीक्षित फिल्म दिल बेचारा के बारे में। ये फिल्म देखना हम सबके लिए आसान नहीं था, और ना ही इतना आसान था इसे देखने के बाद एक रिव्यू लिख पाना। ये उन बहुत कम फिल्मों में से है जो आपको इतने गूज़बम्प्स देती है कि आप बिल्कुल खो से जाते हैं उन दो उम्दा कलाकारों के अभिनय में, और एक ऐसी दुनिया में जहां आप अपने चहेते सुशांत के साथ फिर से एक नए और आखिरी सफर को जीने लगते हैं, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि मौत और हंसी एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, और साथ में हमारे जहन में ये बात भी चलती रहती है कि इस मूवी के बाद हम फिर कभी सुशांत सिंह राजपूत को ना रील और ना ही रियल लाइफ में देख पाएंगे। स्वागत है आपका अनकॉमन टॉक्स के अनकॉमन रिव्यूज में। दिल बेचारा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, 24 जुलाई को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई। और अच्छी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की लीगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए हॉटस्टार ने इस फिल्म को सबके लिए फ्री कर दिया है। दिल बेचारा, जो कि जॉन ग्रीन के द्वारा रचित द फॉल्ट इन आवर स्टार से प्रेरित है, जिसपे उसी नाम की एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, इसे निर्देशक मुकेश छाबरा ने बिल्कुल अलग अंदाज में फिल्माया है। जहां इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज और फीडबैक्स मिल रहे हैं, वहीं इस मूवी को IMDB पे 9.8 रेटिंग मिली है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। ये फिल्म कईयों के लिए अपने चहेते स्टार को एक आखिरी बार पर्दे पर देखने का मौका था, तो वहीं कईयों के लिए ये फिल्म आईना भी है, जिसे देख वो समझें कि उनकी गलती से आज भारतीय सिनेमा ने क्या खोया है। इस फिल्म में जहां सुशांत इमैनुअल राजकुमार जूनियर AKA मैनी का किरदार निभाते हुए दिखे, वहीं फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी किसी बासु के किरदार में हैं, जिसमें वो अपनी खुद की कहानी बयां करते हुए दिखी। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे दो आम और अनजान लोग एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे कैसे एक दूसरे के लिए खास हो जाते हैं। जहां किसी एक कैंसर पेशेंट हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए काफी मशक्कत करती हैं, और दूसरी तरफ हैं एवर हैपनिंग कैरेक्टर मैनी, जो एकदम बेपरवाह हर मोमेंट से खुशी को निचोड़ के जीने वाला, हालांकि वो खुद भी एक कैंसर पेशेंट है। इन दोनों की मुलाकात होती है और वहां से शुरू होती है इमोशनल रोलर कोस्टर राइड, जिसपे पूरी फिल्म आधारित है। अगर आपने इससे पहले द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी नहीं देखी, तो कुछ ट्विस्ट्स आपको बिल्कुल इमोशनली ब्लैंक कर देंगे। ये एक बहुत ही इमोशनली टफ फिल्म है, जो आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएगी, जहां पे आपको अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध के रखना होगा, क्योंकि एक भी पहिया फिसला तो आप अपने आंखों को नम होने से नहीं रोक पाएंगे। इस फिल्म को देखते वक्त अगर कुछ हमें हरदम चुभेगा, तो वो कि इतना जिंदा दिल इंसान जिसने अपने शानदार अभिनय से अपने किरदारों को लोगों के जहन में जीवंत कर दिया, आज हमारे बीच नहीं है। ये एक श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मूवी में डायलॉग डिलीवरी कमाल की है, और ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि फिल्म बस यहीं थम जाए। कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जिन्हें आप थोड़ा ज्यादा देखना चाहेंगे। कुछ ऐसे भी पल आएंगे जब शायद आप खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाएंगे, और हमारे लिए वो मोमेंट था जब किसी मैनी का लेटर पढ़ती है, जिसमें मैनी का एक डायलॉग है, जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। इन शब्दों के कई मतलब हो सकते थे, लेकिन आज जब सुशांत हमारे बीच नहीं है, तो इन शब्दों के अलग ही मायने निकल कर आ रहे हैं। किसी के माता पिता की भूमिका निभा रहे स्वास्तिका मुखर्जी और शाश्वत चैटर्जी ने भी कमाल की अदाकारी दिखाई है। इस मूवी का एक गाना जो हमेशा आपके जहन में जिंदा रहेगा, वो है मैं तुम्हारा रहा। इस गाने की टाइमिंग बड़ी गजब की रखी गई है। हाँ, अब हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम सच में चाह रहे थे कि मूवी कभी खत्म ना हो, और अगर खत्म हो भी तो थोड़ी लंबी होती। हमारी कुछ शिकायतें फिल्म में एक जल्दबाजी को लेकर भी है, जहां पर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सीन थोड़े लंबे भी हो सकते थे, जिसे जानबूझकर काट दिया गया या फिर लंबा रखने की कोशिश नहीं की गई, और ये अब्रप्टनेस आपको खलेगी भी अगर आप बार बार इस मूवी को देखेंगे। मूवी की स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन दोनों लाजवाब है, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए काफी है। और एक आखिरी बात, आप कई दिनों तक इस मूवी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वो धुन गुनगुनाते रहेंगे मैं तुम्हारा रहा। और अब अंत में हम आपको छोड़े जाते हैं एक वीडियो के साथ, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने ठीक मूवी के रिलीज के पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था।
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch.